नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट सारेगामा इंडिया लिमिटेड, बिकॉज कंपनी की तरफ से आ रहा बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग रिजल्ट एंड डिविडेंड का डेट। कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने वाली है, सो हो सकता है आपको यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल जाए। नथिंग इज गारंटेड इन शेयर मार्केट, सबसे पहला चीज है। ओके, और यहाँ पर कंपनी का प्राइस देखिए, आज के दिन में 1.38% का ऑलरेडी गिरावट आ चुका है। लोगों का पेशेंस को ये शेयर चेक टेस्ट कर रही है, बिकॉज ऑलरेडी काफी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी पहले दे चुकी है। अब जो रहता है, लोगों ने ऊपर के रेट में इस जगह पर लगभग किसी ने 420, किसी ने 430, किसी ने 400 के रेंज में बाई किया है, जस्ट बिकॉज डिमर्जर हुआ था डिजिटाइप डिस्ट्रीब्यूटर का। एंड अब डिजिटाइप जब लिस्टिंग हुई, वहां से फिर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। तो अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड वहां पर चेक किया रहता, तो जब ये 100 रुपए के प्राइस में जब लिस्टिंग हुई थी डिजिटाइप डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको अच्छा खासा पैसा वहां भी बन रहा था। लेकिन अगर आपने वहां ग्रेडिनेस दिखाया, तो आप वहां पर फंस चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर आप चेक कीजिएगा, तो 350 के प्राइस में ट्रेड कर रही है, एंड 60 के प्राइस में अगर डिजिटाइप डिस्ट्रीब्यूटर है, तो 410 के प्राइस में तो अभी भी आपको ये मिल रहा है। तो आप टोटल कॉस्टिंग को अपना चेक कर लीजिए, पेशेंस टेस्ट टेस्ट कर रही है, देखते हैं कब तक ये पेशेंस टेस्ट कर रही है, बिकॉज निफ्टी के अगेंस्ट ही काम हो रहा है। निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये खासकर नीचे चलते जा रही है। ओके, अगर पीवाई रेशियो चेक कीजिएगा, तो अच्छे खासे मल्टीपल में, बहुत अच्छे मल्टीपल में है, स्टिल बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है। इंडस्ट्री का 65.6 है, और स्टॉक का पीवाई 36 का मल्टीपल में, समझ सकते काफी लोअर वैल्यूएशन में भी है। पीयूष स्कोर 6 का है, उतना बढ़िया नहीं है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट कंपनी को 0.40 करोड़ का है, जो कि मामूली सा है। प्रमोटर का 59.1% है, तो ये भी चेक कर लेते हैं एफआईडीआई का स्टेटस क्या है। चेक करने के बाद कंपनी का डेट को चेक करेंगे। अब फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है। यहाँ पे एफआई ने थोड़ी बिकवाली की है, 17.12 से 16.81 हुआ था एफआई ने बेचा है। डीआई ने इसके जगह पे खरीदा 2.38 से 2.62 हुआ है। एंड यहाँ पर पब्लिक ने भी थोड़ा खरीदा, 21.15 से 21.22 हुआ है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है कंपनी के शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में। अब लोगों का कहना है कि उतना पैसा बन नहीं रहा है, तो फ्रेंड अगर आप ऊपर के प्राइस में कहीं भी लीजिएगा, आप फंसने का हमेशा डर रहता है। अभी आईओबी शेयर को मैंने रिकमेंड किया था, आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक को 44 के रेंज में या 45 के रेंज में अप्रोक्सीमेटली रिकमेंड किया है। आज वो 56 के रेंज में, 56-55 के रेंज में मूव कर रही है। तो ये भी फ्यूचर का एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। बेस्ट पेनी स्टॉक के नाम पे वो वीडियो मैंने बनाया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। लिंक आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। अच्छा खासा पैसा वहां भी बन रहा है। तो जिन्होंने भी इस रेट में इस जगह पे बाई किया होगा, अच्छा पैसा बन रहा है। और चूंकि मल्टी ये जो स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक, स्मॉल कैप कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो अच्छे खासे वोलेटिलिटी आपको इस शेयर में हमेशा मिलेगा। प्लस अभी कंसोलिडेशन मोड में है, तो पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, देखते हैं कब तक टेस्ट होगा। चार्ट को भी चेक कर लेंगे, तो देखिए चार्ट में सपोर्ट बिल्कुल 300-300 के रेंज में आ रहा है, 300 से 310 के रेंज में आ रहा है सपोर्ट। ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक ठीक ठाक है, और वहां टूटेगा तो फिर अच्छी खासी फॉल भी देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी करना है, आप अपना स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिएगा, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड दैट टू अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस पर करने के बाद ही। अब है इंपॉर्टेंट डेट, तो फ्रेंड कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर दैट कंपनी की मीटिंग शेड्यूल की गई 9 फरवरी 2024 को, जहां पर कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। एंड दूसरा है, कंपनी मे कंसिडर एन अप्रूव्ड प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड एंड फिक्सिंग ऑफ रिकॉर्डेड, तो उसी दिन ही रिकॉर्डेड ही फिक्स किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।